अथर्ववेद कांड 14 सुक्त 2 मंत्र 14 ईश्वर वाणी है कि नारी उपजाऊ धरती के सम्मान है। जैसे भूमि में उत्तम बीज डालकर उत्तम अन्न उत्पन्न किया जाता है, वैसे ही ब्रह्मचारिणी बलवती स्त्री के साथ ब्रह्मचारी वीर्यदान कर उत्तम बीज डाले ताकि उत्तम संतान उत्पन्न हो सके। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। दोस्तों, मैसेजेस में, ईमेल्स में और कमेंट्स में मुझे कुछ दोस्तों ने इन्फॉर्म किया कि वही घिसा पिटा पुराना गोबर नया पैकेट हिंदुत्वा का चूं चूं का मुरब्बा दोबारा किसी मूवी के ऊपर ब्लैक मनी लगाकर वाइट करने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत सिर्फ ये है दोस्तों कि कुत्ते की दुम तो टेढ़ी ही रहेगी, ये ना कोई आखिरी मूवी है ना कोई पहली। मेन मकसद यहाँ ये है कि जहाँ मुसलमानों को, अपनी ऑडियंस को अवेयर किया जाए, वहीं हम जो प्योर हार्ट या सिंसियर लोग हैं सनातन धर्म के अंदर, उनको समझाने का, समझने का प्रयास करते चले जाएंगे, क्योंकि हमें उनसे अच्छे की उम्मीद भी बहरहाल है। मूवी का नाम शुरू में हम दो हमारे 12 था, मगर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के बाद इसका नाम हमारे 12 रख दिया गया, जिसका वीडियो के आखिर में 12 बजाकर जवाब हम इनको जरूर देंगे। टीजर ओपन होता है। ओपनिंग सीन में सूरह बकरा की आयत नंबर 223 पेश की जाती है और एक मशहूर जमाना सो कॉल्ड घड़ा हुआ इतराज पेश किया जाता है कि कुरान में औरत को खेती कहा गया है। खेती! अब अकल के अंधे अपने धर्म के बारे में पढ़े नहीं, वगरना यह जानते कि अथर्ववेद में नारी की तुलना खेत से ही की गई है। इसी तरह महर्षि मनु जी ने स्त्री की तुलना खेत और भूमि से की है। अब सवाल यह है कि क्या ये अपने खेतों में खेती बाड़ी नहीं करते? अगर ये अपने खेतों में खेती बाड़ी नहीं करते हैं तो ये बच्चे सारे सनातन धर्म के टोरेंट से डाउनलोड किए हैं या जोमैटो से ऑर्डर किए थे? बस इतनी सी बात है कि एक औरत को खेती से तुलना इस बेस पर दी गई है कि जैसे खेती कल्याणकारी के लिए, अनाज के लिए, फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती है भूमि और खेत, वैसे ही नारी स्त्री सामाजिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर उत्तम संतान को उत्पन्न करके अपना एक वाइटल रोल प्ले करती है। यही वजह है कि अथर्ववेद में जब स्त्री की तुलना खेत से की गई तो वहीं बयान किया गया, एक्सप्लेन किया गया कि क्यों स्त्री को खेत से तुलना उसकी की गई है। जैसे खेत में उत्तम बीज डालने पर उत्तम फल उत्पन्न होता है, वैसे ही स्त्री के इस खेत में उत्तम वीर्या डालने पर उत्तम संतान उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये सामने आता है कि औरत अगर हमल की हालत में भी हो और मर्द उसको बुलाए तो उसे ना करने की इजाज़त नहीं है, ना तो कुरान में और ना हदीस में किसी जगह पर भी इस मसले पर कोई बात की गई है। ऐसा कहा ही नहीं गया कि मर्द अगर इस हालत में बुलाए तो तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम ना कर सको। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ यह है कि इस पर उलमाए दीन के फतावा मौजूद हैं कि अगर कोई मेडिकल इशू हो, जेन्युइन रीज़न हो, तो दोनों रजामंदी के साथ इस सारे लंबे अरसे के अंदर जितनी देर में वो गर्भवती रहेगी ब्रेक ले सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से। तीसरी चीज़, इस सारे समय में अगर औरत अपने मर्द को ना बोलती है, ऐसी सूरत में भी इस्लामिक लॉ के मुताबिक पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। कुरान ने उसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी, हदीस ने उसको बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर इजाज़त नहीं दी है। वेयर एज सनातन धर्म के अंदर, बृहद आर्यन का उपनिषद के अंदर, अगर मर्द औरत को संभोग के लिए बुलाता है और वो औरत किसी सूरत भी नहीं मानती तो मर्द लाठी से और हाथ से उसकी ठुकाई और पिटाई कर सकता है, यहाँ तक के उसके साथ बलात्कार कर दे या उसको रजामंदी के साथ उसके साथ संभोग करे, ऐसा इनके शास्त्रों में लिखा है। तीसरा पॉइंट, औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फरमाबरदारी के लिए पैदा की गई है। पूरे कुरान में और पूरी अहादीस के जखीरे में जिसमें यह इशारा मिलता हो
कि औरत को खावंद की फरमाबरदारी के लिए पैदा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैदा किया गया है। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है सूरह ज़ारियात के अंदर कि जिन्नो इंस की तखलीक का वाहिद मकसद अपने ईश्वर के आज्ञा और उपदेश का और उसके धर्म का पालन करना था। ये तो था इस्लाम का मौकफ। अब जानते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म में बृहद अरियन का उपनिषद में लिखा है कि प्रजापति यानी कि ब्रह्मा ने औरत की उत्पत्ति केवल इस कारण की थी कि मर्द का वीरिया टिप टिप बरसा, टप का वीरिया, उसके लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, कोई बाउल, कोई ग्लास, कोई कप नहीं मिल रहा था, तो प्रजापति ने औरत को उत्पन्न किया ताकि वहां पर मर्द का वीरिया स्टोर किया जा सके। यह है औरत की उत्पत्ति का कारण सनातन धर्म में। चौथा पॉइंट, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मर्द इस दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा है। पूरे कुरान के अंदर, पूरी अहदीस के ज़खीरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ और प्रमाण आपको नहीं मिलता जिसमें सिर्फ मर्द को अल्लाह रब्बुल इज्जत का तोहफा कहा गया हो, कहीं भी नहीं है। बल्कि जब कभी क्रिएशन और तख्लीक के एतबार से इम्पोर्टेंस बयान की गई तो दोनों को एक जगह पर रखकर इंसान को मुखातिब किया गया। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम वलकद करमना बनी आदम। कभी भी औरत को मर्द से अलहदा करकर मर्द को इस एतबार से फजीलत नहीं दी गई कि वो अपनी नेचर में मेल है, इसलिए नहीं। कुरान में जिन जगहों पर मेल को फजीलत दी गई है वो उसके कर्म और उसकी ड्यूटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है, ना कि उसके मेल होने की वजह से। जबकि सनातन धर्म में महापापों का होलसेल भंडार स्त्री को इसलिए कहा गया है कि वो योनियों से गुजरकर स्त्री पैदा हुई है। पांचवां पॉइंट, शोहर मजाजी खुदा होता है और मजाजी खुदा की नाफरमानी कुफर है और कुफर की सजा मौत। ये दोनों एंड्स बिल्कुल गलत हैं अपनी बेस के अंदर। ना तो हर कुफर की सज़ा मौत है, वरना हर काफिर की सज़ा मौत होती, जबकि कितने ही काफिर हैं जो इस्लाम में ज़िंदा रहे, तारीख गवाह है। और दूसरा एंड के शोहर मजाजी खुदा होता है, पूरे कुरान और अहदीस के ज़खीरे में कहीं ये टर्म मर्द के लिए यूज़ नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम वो वाहिद दीन है, तमाम अदियान बातिला में एक वाहिद हक दीन है कि जिसका ईश्वर अल्लाह खुदा माबूद सिर्फ एक है, वही हकीकी है। कोई मजाजी नाम का खुदा माबूद इलाह छोटे मोटे इधर उधर के कोई भी हैसियत और कोई औकात और कोई उनकी हकीकत नहीं है। लिहाजा ये पूरे का पूरा मफरूजा कि मजाजी खुदा, फिर उसकी नाफरमानी, वो कुफर और कुफर की सजा मौत, ये सारे का सारा कोलैप्स कर जाता है जब दोनों एंड की बेस खड़ी ही नहीं होती। ये तो था इस्लाम का। अब आ जाए देख लें सनातन धर्म का। सनातन धर्म में पति को औरत का देवता कहा गया है। और याद रखें, देवता की सेवा, पूजा और उपासना और उससे प्रार्थना और उसकी स्तुति सनातन धर्म का बेसिक स्तंभ है। यही वजह है कि सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार अगर पत्नी एक चीज में भी अगर अपने पति के विरोध चली जाए, चाहे पति कितना ही अधर्मी क्यों ना हो, खुद वो औरत अधर्मी ठहर जाएगी। क्योंकि एक सनातन धर्म के अनुसार स्त्री का सनातन धर्म धार्मिक कर्तव्य है ही यही कि वो हर हाल में अपने पति की आज्ञा और उपदेश का पालन करेगी, तभी वो मोक्ष और स्वर्ग को प्राप्त हो सकती है। वरना सनातन धर्म के अनुसार वो नरक में हजारों वर्षों तक जलती रहेगी। यहां तक के सनातन धर्म में लिखा है कि जितने पति के सर पर बाल होंगे या शरीर पर बाल होंगे उतने सालों तक वो नरक के अंदर सड़ती रहेगी। वैसे गंजे पतियों वाली पत्नियों के लिए थोड़े से कम साल होंगे। एनीवेज, छठा पॉइंट, औरतें शलवार के नाड़े की तरह हैं, जब तक अंदर रहेंगी तब तक हिफाजत में रहेंगी। मैं हैरान हूं कि इसका डायलॉग लिखने वाला कितना मूर्ख आदमी है। भला इससे पूछो कि अगर शलवार का नाड़ा ही निकाल दिया जाए तो तुम्हारे तो पिछवाड़े नंगे हो जाएंगे। तो नाड़े से ज़्यादा अहम और क्या चीज़ हो सकती है इज्जत को बचाने के लिए? ये डायलॉग औरत की तजलील के लिए लिखा था या औरत की अहमियत बताने के लिए? कुरान और सुन्नत इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, सनातन धर्म के अंदर चूंकि लुंगी का रवाज है तो वो तो हवा चलने से भी उड़ जाती है,
चाहे आप कवारे हों या शादीशुदा, हमारे 12 कवि जवाब दिए देते हैं। नंबर 1, इस्लाम में किसी जगह पर भी ये नहीं लिखा कि आपको 12 बच्चे पैदा करने हैं, 10 करने हैं, 9 करने हैं, 8 करने हैं। ये औरत और मर्द दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने उनकी तरबियत करनी है कि वो देखें उनको कितने बच्चे ईजीली अवेलेबल हो सकते हैं और वो कैपेबल हैं उन बच्चों की तरबियत करने के लिए। वेयर एज सनातन धर्म के अंदर वेदों के अनुसार तो 10 पुत्र करने हैं चाहे तुम्हें नियोग ही क्यों ना करना पड़े, और 11वां अपने पति को समझना है। मगर आज आपको बताते चलें कि खुद वेद के अंदर ऋग्वेद में ट्रांसलेशन श्री राम शर्मा आचार्य जी की आपकी स्क्रीन पर है कि जिसमें मनु की पुत्री 1 साथ 20 बच्चों को जन्म देती है। ये इंसान थे या जानवर, ये फैसला आप करें या मेडिकल साइंस, मगर यहाँ बात 12 से बढ़ चुकी है। हम 2 हमारे 20, इस पर कब बात की जाएगी? और याद रखें, नारी अंक जो गीता प्रेस गोरखपुर की है उसमें तो लिखा है कि अगर कोई स्त्री 20 बच्चे पैदा करने के बाद भी मलाइका अरोड़ा की तरह फिट रहे तो ही उस औरत को उत्तम और महान माना जाता है, वरना ये खोखली किस्म की जो औरतें सनातन धर्म में दिखाई देती हैं, साड़ियां पहनकर बेचारी मोटी गोल गुलाटी, इस तरह की औरतों की वर्थ और वैल्यू सनातनी मर्दों की नज़र में गिर जाती है। हम 2 हमारे 20, इस पर क्या कहिएगा? अल्लाह हाफिज़।